साल का आखिरी महीना चल रहा है, यानी दिसंबर का महीना चल रहा है। इस महीने में क्रिसमस का त्यौहार होता है और महीने के आखिरी दिन धूमधाम से न्यू ईयर ईव को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिसंबर के हर साल एक खगोलीय घटना भी होती है, जिसके कारण एक दिन साल का सबसे छोटा दिन होता है और रात साल की सबसे बड़ी रात हो जाती है। इस पूरी घटना को हम विंटर सोलिस्टस कहते हैं या शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। हर साल दिसंबर महीने के 21 तारीख को सबसे छोटा दिन होता है तो कभी 22 तारीख को। इस साल ये खास मौका 21 दिसंबर को यानी आज हो रहा है। जानिए हर साल क्यों खगोलीय घटना ये होती है और इसके पीछे क्या है वजह कि साल में 21 दिसंबर या 22 दिसंबर की एक दिन छोटी हो जाती है और रात सबसे बड़ी। विंटर सोलिस्टस उत्तरीय गोलार्ध में सर्दियों को आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। इस दिन मकर रेखा पृथ्वी के सबसे करीब होती है, इस कारण से दिन की अवधि कम हो जाती है, लेकिन इसके अगले दिन यानी 22 दिसंबर से धीरे धीरे दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। यह तब होता है जब पृथ्वी के उत्तरी धुरी सूर्य से दूर झुक जाती है। विंटर सोलिस्टस के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कम आती हैं। इसका यही फल होता है या इसका यही परिणाम होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटे और रात सबसे लंबी हो जाती है। वही दक्षिणी गोलार्ध में आज का दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होगी। इस कारण अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों में इस दिन से गर्मी की शुरुआत होने लगती है। विंटर सोलिस्टस की तरह ही गर्मियों में समर सोलिस्टस भी होता है। ये जून में 21 या 22 तारीख के आसपास होता है, तो इसका प्रभाव बिल्कुल ठीक उल्टा होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका झुकाव बदलने लगता है। कभी सूर्य की ओर झुकती है तो कभी सूर्य से दूर हो जाती है। 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर अपने अधिकतम झुकाव पर पहुंच जाता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें बहुत कम कोण पर धरती पर पड़ती हैं। शीतकालीन संक्रांति तब होती है जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से सबसे दूर होता है, लंबी छाया बनाता है और धरती के एक छोर को लंबी रात के अंधेरों में डुबो देता है। सबसे लंबा दिन और रात के लिए दो प्रमुख कारण हैं, वो भी समझ लीजिए। शीतकालीन संक्रांति उत्तर में सर्दी और दक्षिण में गर्मी की शुरुआत का प्रतीक माना गया है। 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होने का के दो प्रमुख कारण और तथ्य हैं। पहला पृथ्वी का झुकाव और दूसरा है सूर्य का कोण। बताया जाता है कि हमारा ग्रह बिल्कुल संतुलित शीर्ष की तरह सीधा नहीं घूम रहा है, इसके बजाय इसका अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री होता है। ये झुकाव पूरे साल स्थिर रहता है, लेकिन पृथ्वी की कक्षा के अनुसार सूर्य के सापेक्ष इसकी दिशा बदल जाती है और दिशा बदलने के कारण ये होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि सोलिस्टस शब्द आया कहाँ से है, वो भी बता देता हूँ। सोलिस्टस एक लैटिन शब्द है, जिसके पहले भाग को सोल का मतलब है सूर्य, जबकि दूसरे भाग सेस्टियर का अर्थ होता है स्थिर खड़े रहना। इन दोनों शब्दों को मिलाकर सोलिस्टिस शब्द बनाया गया। इसका मतलब है कि सूर्य अभी स्थिर है, क्योंकि सोलिस्टस के वक्त सूर्य उत्तर या दक्षिणी की तरफ अपनी दिशा बदलने से पहले कुछ पल के लिए रुक सा जाता है। कुछ देशों में इसे त्यौहार के तौर पर भी मनाया जाता है। इस साल विंटर सोलिस्टस 21 दिसंबर को रात 10:28 से शुरू हो जाएगा।